नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी के कई सारे सुपरस्टारों की बात होती है, चाहे वो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हो, पावर स्टार पवन सिंह हो, या फिर देसी स्टार समर सिंह, रितेश पांडे, अंकुश राजा, अंबिन अकेला, उल्फ कल्लू, तमाम ऐसे सिंगर जिनके चर्चा होते रहते हैं और उनके गाने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी होते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान भी बनाते हैं। लेकिन अगर मैं एक्ट्रेस के अलावा भोजपुरी अभिनेत्रियों की बात करूं, भोजपुरी सिंगर्स की बात करूं, तो ये एक नाम काफी ज्यादा गूंजता नजर आता है और वो नाम किसी और का नहीं बल्कि अक्षरा सिंह का है। जी हां, बात करें तो अक्षरा सिंह भोजपुरी के सबसे पॉपुलर अभिनेत्रियों में उनका नाम है और गायकी भी उनका गजब का है, जिसके स्तंभ पर वो गाने में भी कई सारे एक से बढ़कर एक बड़े रिकॉर्ड को उन्होंने स्थापित किया है। तो कहा जा सकता है कि जो अक्षरा सिंह है वो अपने गायकी के माध्यम से बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर देती नजर आ रही है। वैसे बात करूं तो अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के साथ भी काम कर चुके हैं और एक से बढ़कर एक बड़े गाने भी दे चुके हैं, तो वहीं पवन सिंह के भी साथ जो है वो काफी बड़े बड़े गाने दे चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों से अलग होकर अपना एक इंडिविजुअली प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है और जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में वो एक इतिहास बना रही है, उससे तो यही लगता है कि भैया वो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के अलावा और भी जो अन्य सिंगर हैं उनको जोरदार कड़ी टक्कर देते नजर आ रही है। कैसे और कैसे दे रही है पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अक्षरा सिंह है वो एक कुछ साल पहले गाना गाई थी जिस गाने का नाम था इधर आने का नहीं। जी हाँ, इधर आने का नहीं ये गाना था और ये गाना सोशल मीडिया पर जब रिलीज हुआ था तो काफी ज्यादा वायरल हुआ था और इस गाने को लोग जो है काफी ज्यादा सपोर्ट किए और गाना काफी ज्यादा कमाल का भी था और जिस तरीके से इसमें वीडियोग्राफी की गई थी, जिस तरीके से इस गाने का वीडियो बनाया गया था वो काफी ज्यादा काबिले तारीफ था, जिसकी वजह से ये गाना जो है 300 मिलियन के क्लब में शामिल होने वाला है। यानी कि 300 मिलियन के क्लब में शामिल होना, समझ रहे हैं कि एक अभिनेत्री और एक सिंगर के तौर पर, गायिका के तौर पर, एक इंडिविजुअल के तौर पर एक बहुत बड़ा इतिहास हो जाता है और वो भी किसी कंपनी से नहीं बल्कि वो खुद के चैनल से। जी हाँ, बात करें तो अक्षरा सिंह ने इस गाने को गाया था, म्यूजिक और लिरिक्स राइटर जो थे उसके आशीष वर्मा थे और अक्षरा सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस गाने को रिलीज किया गया था। 1.3 मिलियन इस गाने पर व्यूज था और 300 मिलियन के करीब इस गाने पर व्यूज होने वाला है, जिसको लेकर अक्षरा सिंह ने इस तस्वीर को जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया है। तो कहीं ना कहीं 300 मिलियन के रिकॉर्ड से तो यही कहा जा सकता है कि भैया अक्षरा सिंह भी अब बड़े बड़े सिंगरों को टक्कर देने लगी हैं और उनके लगातार कई सारे गाने भी आ रहे हैं। ये मुझे लगा कि अपडेट था, अपडेट बताना चाहिए। तो अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।